नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के जो खास 3 दिन होते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन तीनों दिनों में आपको कौन सी साधना करनी है और किस साधना को करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं या आपको कौन सी सिद्धियाँ हासिल हो सकती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आप अनेक साधनाओं को और अनेक सिद्धियों को एक रात में ही सिद्ध कर सकते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष तो ये तक कहते हैं कि आप साल भर भी साधना करके जो हासिल नहीं कर पाएंगे वो आपको इस एक रात में हासिल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो 3 दिन हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिनों में रात में आपको कौन सी साधना करनी है और कौन सी साधना आपके लिए एकदम उपयुक्त रहेगी। तो सबसे पहली बात करूँ यदि मैं महालक्ष्मी जी की, तो इनकी साधना तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि दिवाली में सबसे खास जो महत्वपूर्ण अवसर होता है वो महालक्ष्मी की साधना का ही होता है। और दिवाली के इस खास अवसर पर यदि आप इन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो आपको साल भर या उससे भी अधिक समय तक आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि आप यदि आध्यात्मिक जीवन जिए या फिर सांसारिक जीवन जिए, आपको पैसों की ज़रूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। इसलिए इस साधना को करना सबके लिए बहुत जरूरी होता है और आपको करनी भी चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण साधना जो मानी जाती है दिवाली के अवसर पर, वो है महाकाली की। जी हाँ, इस समय यदि आप महाकाली की सिद्धि रात्रि में करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको एक रात्रि में ही महाकाली के दर्शन हो सकते हैं या महाकाली सिद्ध हो सकती है, और ये केवल दिवाली के अवसर पर और दिवाली की रात्रि में ही ऐसा हो सकता है। और ये जो 3 दिन होते हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और धनतेरस, इन 3 दिनों में यदि आप महाकाली की साधना करते हैं तो ऐसे बहुत चांसेस है, 99% चांसेस है कि आपको महाकाली के दर्शन हो सकते हैं और महाकाली की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि दिवाली की रात्रि सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, दिवाली की रात्रि से बड़ी अमावस्या कोई भी नहीं होती। इसलिए यदि वो लोग जो अपनी कोई भी साधना सिद्ध करना चाहते हैं या बहुत लंबे समय से किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक सुनहरा सोने का अवसर, मैं तो बोलूँगा कि है, इतने स्वर्णिम अवसर है ये, कि आप यदि जो भी साधना या अपना मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये रात्रि जो है दिवाली की, वो बहुत ही ज़्यादा खास है। ख़ासतौर पर यह जो 3 रात्रि है, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 रात्रियों में साधना करके आप किसी भी मंत्र को और किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जो दिवाली के इस मौके पर अलग अलग देवी देवताओं को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस साधना को एक रात में सिद्ध कर सकते हैं। चाहे आप काल भैरव की साधना करना चाहते हो या महाकाली के किसी अन्य स्वरूप को सिद्ध करना चाहते हो, जैसे महाकाली की जो 10 महाविद्याएं हैं उनके बारे में जो मैंने बताया था, आप वो साधना, या फिर महाकाली के अष्ट भैरव स्वरूप, या फिर महालक्ष्मी के जो 8 स्वरूप उनकी साधना करना चाहते हैं, तो इन सभी प्रकार की साधनाओं के लिए दिवाली के ये 3 दिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप जिन भी देवी देवताओं की सिद्धि करना चाहते हैं या उनकी साधना करना चाहते हैं, तो आप उस देवी देवताओं और साधनाओं को चुन लीजिएगा और उसके पश्चात ये 3 दिन तक और 3 रात्रियों तक आप उस साधनाओं को कीजिएगा। यकीन मानिएगा, बहुत 99.9% चांसेस हैं कि आप जिन देवी देवताओं को सिद्ध कर रहे हैं वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल दिन होते हैं ये दिवाली के 3 दिन, इसलिए आप इस 3 दिनों को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा और इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और अपने अगले वीडियो में मैं महाकाली और महालक्ष्मी की साधना आपको किस प्रकार करना है, उसकी संपूर्ण विधि और साथ ही पूरे मंत्र आपको बता दूंगा, ताकि आप इस साधना को अच्छे से कर सकें। तो आप उस साधना का वीडियो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जितनी भी साधनाएं हैं उन्हें वहाँ से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।